अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जिसमें डेटा हमने जो है इनइक्वालिटीज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। अब इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से जिस तरह हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। तो मैं इन इनइक्वालिटीज को दोबारा लिखूंगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी जो हमारे पास आई है वो 2x + 3y > 12, ये आ गई है इनइक्वालिटी 1। एंड दूसरी इनइक्वालिटी है 4x + 2y > 16, ये आ गई है इनइक्वालिटी 2। तो सबसे जो पहला स्टेप है हमारे पास वो होगा एसोसिएटेड इक्वेशन। इन दोनों इनइक्वालिटीज के एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। यहाँ पर भी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। और एसोसिएटेड इक्वेशन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो इनइक्वालिटी का साइन होगा उसको इक्वालिटी के साथ चेंज कर देंगे और इसको हम 1- कह देंगे। 4x + 2y = 16, 2- ये आ जाएगा 2-। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो उसके लिए x = 0 इन 1-, और यहाँ पर भी x = 0 इन 2- करेंगे। एक्स को 0 करेंगे तो 2 0 0 + 3y = 12। तो यहाँ से स्टूडेंट y की जो वैल्यू है वो आएगी 4। सो x 0 y 4, यहाँ पर 4 0 0 + 2y = 16, y की वैल्यू आएगी 8। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो 0 8 बन जाएगा। अब y इंटरसेप्ट के लिए x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 करेंगे। सो पुट x = 0 इन इक्वेशन 1-, पुट x = 0 इन 2-, y = 0 y = 0 इन 2-। y को 0 करेंगे तो आ जाएगा 2x + 3 0 = 12, 4x + 2 0 = 16। यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू आएगी 6, तो पॉइंट बनेगा 6 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4, तो पॉइंट जो है वो आ जाएगा 4 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इन पे टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे हम। तो टेस्ट पॉइंट उसके लिए हमने 0 0 पुट करना है। पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी 1, और यहाँ से पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी 2। अच्छा, पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 0 + 3 0 > 12, और यहाँ से 4 0 + 2 0 > 6। तो यहाँ से देखें 16 है। यहाँ देखें तो ये 12, तो ये आप देख सकते हैं ये फॉल्स बनेगा क्योंकि 0 ना तो 12 के इक्वल है ना 12 से ग्रेटर है। और यहाँ से भी ये फॉल्स बनेगा क्योंकि 0 ना तो 16 से ग्रेटर है ना तो वो उसके इक्वल है। ठीक हो गया, तो ये हमें यहाँ से एक मिल गया। अच्छा जी, अब जो पॉइंट्स हमने फाइंड किया ना इनको प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड -1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। इसको नंबरिंग दे देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड माइनस वन, ये दोनों के लिए, ठीक है। माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट्स पे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो बना हुआ है हमारे पास एक्स जीरो वाई फोर, एक्स जीरो वाई फोर। तो एक्स जीरो और वाई फोर से मतलब ये पॉइंट हुआ एक्स जीरो वाई फोर, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं एक्स जीरो वाई फोर। दूसरा पॉइंट है एक्स सिक्स वाई जीरो, एक्स सिक्स वाई जीरो, तो ये पॉइंट भी हमें मिल गया सिक्स जीरो, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इसकी जो इनइक्वालिटी, जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये बेसिकली एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ होगा, और इस केस में एसोसिएटेड इक्वेशन इनइक्वालिटी वन में क्या बनी ही है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। अब आ जाते हैं दूसरी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स पे। उसके पहला जो पॉइंट था वो है जीरो एट, एक्स जीरो एंड वाई एट, ये बनेगा एक्स जीरो एंड वाई एट। यहाँ साथ मेंशन भी करेंगे एक्स जीरो एंड वाई एट। और जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्स फोर एंड वाई जीरो, एक्स फोर एंड वाई जीरो, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक्स फोर एंड वाई जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब इसको भी दोनों को आपस में ज्वाइन करें तो देखते हैं कि किस तरह की शेप बनती है। ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो भी ड्रा हो गई है, ठीक हो गया, सही है। और अब ऑलरेडी हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर चुके हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।